गीत सुनिए। How handsome are you looking? So nice to see you. So nice to see you after such a long time. Yes, sir. You look very beautiful. Thank you. Sir, you want to hear it again? No. Sir ne bola? No. He's just jealous. वैसे शर्मा जी आप प्लीज जल्दी से अपना इंटरव्यू खत्म कर लो क्योंकि बाद में ना एक्चुअली साफ सफाई करनी है तुम्हें वो जो घर में दो बड़े बड़े बोरे पड़े हैं ना जो बेड पे लेटे हुए पहले उनको हटाओ सफाई अपने आप हो जाएगी वो मम्मी पापा है मेरे मैंने नाम लिया शर्मा जी आप सर आपने इतनी अच्छी अच्छी फैमिली फिल्में की है हम आपके हैं कौन विवाह तो फैमिली रिश्तों के बारे में थोड़ा सिखाइए ना इसे उन्होंने शौकीन भी किए उनसे ना सीखूं मैं कुछ हम आपके हैं कौन से सीख लूं मैं बीवी खड़ी है तुम्हारी सामने तो किसने कहा खड़ी जाके अंदर बैठ जाओ मैं ना सर ये मुझे ना मेरी बीवी पेट्रोल की तरह महंगी पड़ रही है और पोल्यूशन अलग से सो आई एम लुकिंग फॉर सम इलेक्ट्रिक ताकि इको फ्रेंडली हो सकूं मैं इको फ्रेंडली कम नरगिस फ्रेंडली ज्यादा लग रहा है यहाँ पे मुझे हाँ सुनो तुम ना अपना फ्लर्टिंग को ना प्लीज कंट्रोल में रखो कुछ देर के बाद मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं किटी के लिए हाँ तो पहले उनकी फोटो दिखाओ कैसी हैं वो तुम क्या करोगे फोटोज का अरे एक जवान आदमी घर पे है चार पांच लड़की आ रही अलर्ट रहना पड़ता है कोई जरूरत नहीं है जब तुम झाड़ू लगाओगे ना अपने आप अलर्ट हो जाओगे हाँ वैसे नीना मैम आप हमारी किटी ज्वाइन कर लो बड़ा मजा आएगा कोई मजा नहीं आएगा ये ग्रुप है इनका ऐसे बोलती हैं किटी का ग्रुप है किटी का कोई ग्रुप नहीं है चार छह औरतें बैठती हैं लोगों को मैसेज करती हैं कि आपका प्राइज निकला है अभी ओटीपी आएगा आप हमें बताइए उनके पैसे निकालती हैं ये नहीं यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आप प्लीज इसे सीरियसली मत लो मैम इसको सीरियसली लीजिए यही देश का बजट बना रही है ये इनको लीजिए आप सीरियसली देखो घर का बजट मैं ही देखती हूँ तभी हमारी घर की जीडीपी गिरी हुई है हर साल बजट निकलता है काश मेरे रिश्तेदार भी घर से निकल जाएं प्लीज कितनी बार बोला है धीरे बोला करो यार मम्मी पापा सुन लेंगे बुरा लगेगा उन्हें नहीं लगता उनको मैंने देखा है मैंने अनुपम सर कहा कि हमें लड़की एक जोड़ी कपड़े में चाहिए हाँ। इन्होंने जोड़ी गलत समझ लिया माँ बाप की जोड़ी ले आई अंदर लेटे हुए हैं माँ मेरा कुर्ता पहन के लेटी है बाप माँ का पेटीकोट पहन के लेटा हुआ है सर आपने ऊंचाई फिल्म की है ना हाँ जी कभी पिटाई करनी हो तो कास्टिंग मैं करूंगा बड़ा परेशान कर रखा है इन लोगों ने मुझे ये छोटा प्रेशर कुकर क्या बन के आया आज ऊपर सीटी लगाना तो भूल ही गई दामा जी ऊंचाई की बात याद मत दिलाइए पता है उधर 60 की एज में ये पहाड़ों पे चढ़ रहे थे यहाँ मेरी सांसें चढ़ रही थी मम्मी तुम 52 की हो चुकी हो तुम कैसी बातें कर रही हो अरे 52 का पलट के देख 25 की लगती हूँ अरे ये तो सिर्फ नजरिए की बात है मिस्टर मल्होत्रा ये समझते हैं तू नहीं समझेगी कुछ कुछ होता है बिंदु इनको रोक जब जब इनको कुछ कुछ हुआ है ना अंदर एक नए मेहमान हुआ है कुछ मैं बता रहा हूँ इनको रोक अंदर उधर 9 बच्चे हैं इनके क्या बात माता पिता हाँ जो बधाई मांगने वाले आते ना वो बाहर हमारे बोर्ड लगा के चले गए कहते थोड़ा गैप ले लो ढोलकी बजा बजा हमारे हाथ तक गए ये तो गैप नहीं ले रहे बिल्कुल भी अरे नहीं नहीं दामाद जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है वो क्या है ना नीना जी की वो फिल्म है ना बधाई हो तो वो देख देख के मेरे हस्बैंड बस मुझे कविता सुनाने का शौक चढ़ गया उन्हें झूठ ना बोलो कविता सुनाने का शौक लग गया तुम लोग तो ब्रेकिंग न्यूज सुन के रोमांटिक हो जाते हो मम्मी गैस बैठे हुए तुम मतलब मुझे शर्म आ रही है तुम क्या कर रही हो अरे तेरी शर्माने की उम्र निकल गई बिंदु थोड़ी बेशर्म बन अरे इंडिया की पॉपुलेशन कहां से कहां पहुंच गई उसमें तेरा एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं है सर आई एम रियली सॉरी वो मम्मी है थोड़ी सी विट्टी
उन्हें क्या बता रही है, वो तो मेरे साथ कॉलेज में ही थे। हाँ, इनकी बायो अच्छी थी, मेरी फिजिक्स अच्छी थी, फिर हम दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी हो गई। ओह वाओ। बस एक दिन ये मुझसे मिलने में थोड़ा लेट हो गए तो मैं इनसे रूठ गई। फिर मेरी फ्रेंड बोली खैर छोड़ो। अच्छा। फिर मैंने छोड़ ही दिया। छोड़ दिया, खैर को छोड़ दिया। अरे मम्मी यार, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं करता मेरा। अरे बेटा, इस उम्र में ससुराल छोड़ के कहाँ जाएगी तू? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मम्मी तुम अंदर चलो, टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो अंदर। हाँ हाँ, तेरी बातों से तो बड़ा सेंस एक्स में उछाल आ रहा है। अच्छा मिस्टर मल्होत्रा, नाउ आई एम लीविंग। हाँ, ड्राइवर को बोलो गाड़ी का एसी जरा 18 डिग्री पे रखे। दुनिया की सबसे हॉट गर्ल आज आपके साथ बैठने वाली है। मम्मी बाय। इसके पहले कि मिसेस ब्रिगेंजा सच में तुम्हारा ब्रिगेंजा तोड़ दे, चलो। कैसा है शर्मा जी, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस आप खराब करेंगे बाकी। हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। मैडम हम कपड़ा धोते हैं, जुगल हंसराज जैसा धोते हैं। जुगल हंसराज जैसा मतलब? नहीं मतलब के कपड़ा धो धो के इसमें इतना जो ग्लो और शाइन लेके आता है एकदम इनके चेहरे का जैसा। इतना शाइनिंग आदमी हमने लाइफ में नहीं देखा है। He's so white. आपको तो कोई ब्लैक मनी भी देता होगा व्हाइट हो जाता होगा। वैसे आपको सच बताएं, ये कपड़ा धोने का जो हमारा टैलेंट है उसका पूरा क्रेडिट हम देंगे इन्हें। इन्हें क्यों? मैं क्यों? इन्हें मतलब इन्हें नहीं, इन हाथों को। हाथों को क्रेडिट देंगे हम, हाथ से धोते हैं। ऐसे खराब कपड़े धोती ना ये खैर साहब। अच्छा, ये गुप्ता जी का पीछे इन्होंने पजामा धोया, 17 छेद किए इस औरत ने। हाँ तो हम करेंगे, जब पैसा मांगने जाते हैं वो गुप्ता कितना उंगली करता है, उनका धोती में हमने उंगली कर दिया तो क्या गलत हो गया? अरे गुप्ता आदमी हम बता रहे हैं, सही नहीं है ये गुप्ता आदमी। खूबसूरत लड़के से घूम रहा होता है मोहल्ले में, ये ताड़ता है, छेड़ता है गुप्ता। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, खूबसूरत लड़कियों को छेड़ता ना? हमको पता है क्या लगता है अनुपम खेर जी, जी जी, ये आदमी को ना हम पे क्रश है। इनको पता है इनके हाथ हम आ नहीं सकते, इसलिए ताने मारते हैं। वैसे हम बहुत अच्छा कपड़ा धोते हैं, हाथों में हमारे जादू है, मजाक नहीं कर रहे हैं। दिखाएं आपको जादू, दिखाएं। दिखाएं। ए शर्मा जी, एक 500 रुपए का नोट होगा आपके पास? नहीं दीजिए, 500 का नोट होगा। ये लो। ए, देख रहे हैं आप लोग, 500 रुपए का नोट है, है? अभी देखिएगा। हाँ आबरा का डाबरा, मौसी पहने घाघरा, पैसा गया आगरा। ये पैसा गया हमारी जेब में गया, ठीक है। अब देखे ये पैसा इनकी जेब में आ गया है, कोर्ट की जेब में देखिए आ गया। कोर्ट में जेब ही नहीं है। पैंट का जेब आया है, 500 रुपया नहीं है। इतना वेब सीरीज करता है, इतना फिल्म करते हैं, 500 रुपया नहीं है। हम तो ऐसा कोई बड़ा काम भी नहीं करते हैं, फिर भी देखिए 500 रुपया लेके घूमते हैं हम जेब में। ओ हेलो, ये 500 तो मेरा है। नहीं नहीं, आप वाला तो जादू करके हमने इनका जेब में डाल दिया ना। अब प्रॉमिस कीजिए इनको देंगे वापस इनका 500। आपके जेब में गया है। और नानी जी कैसी हैं? नानी जी नहीं, नीना जी। पता है हमें, बेटी का भी अभी शादी हुआ है, कब नानी? देखिए नानी तो बनेंगे ही ना बेटी। आपको सच बताएं, मसावा जी का जब शादी हुआ था हम भी आने वाले थे।
आने के वाले थे, हम तो पहुंच गए थे, गेट पे खड़े थे। हाँ। लेकिन वहां पे हमको अचानक एक बात याद आया जिसकी वजह से हमको घूम के वापस जाना पड़ा। क्या याद आया? कि हमको कोई इनवाइट ही नहीं किया था। तो हमने सोचा कि अंदर जाके मार खाएं, उससे अच्छा घर पे जाके दाल चावल खा लेते हैं। नरगिस जी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? काइंड ऑफ। आप रॉकस्टार में थी ना? हमारे दादाजी भी रॉकस्टार हैं। वो कैसे रॉकस्टार? वो एक बार ऐसा पहाड़ी पे चढ़ के गए, एक बड़ा सा रॉक उनके ऊपर गिर गया। अब वो स्टार बन के आसमान में चमक रहे हैं। हेलो अनुपम जी, हेलो नरगिस जी, हेलो जुगल जी, हेलो नीना जी, हेलो हाशमी जी। ए, 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 पप्पी वाले और चुंबी वाले हाशमी नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। नहीं दे, हम भी सकते हैं लेकिन ले लो। दीदी हमने तो फ्लाइंग किस दे दिया, अभी वापस लेती हूँ। नहीं नहीं वापस मत लो, रहने दो, इनको भी इतना कुछ खराब नहीं लगा है, दिख रहा है। मर्द लोग को चलता है। दीदी जिंदगी में पहली बार हमने इतना हैंडसम लड़का देखा है, हम इन्हीं को डेट करेंगे। जुगल जी देख रहे हैं आप, आपका मासूम सा चेहरा देख के हमारी बहन को भी आपसे प्यार हो गया है। नहीं दीदी, हम अनुपम जी की बात कर रहे हैं। हमारा बचपन से सपना था कि हम इनसे शादी करें। ओ वाह, शादी शुदा है वो, तुझसे शादी कैसे करेंगे? हाँ तो क्या हो गया दीदी, फिल्म करते करते ये वेब सीरीज भी तो करते हैं। एक शॉर्ट फिल्म कर लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। सब बेकार का बात करना नहीं है यहाँ पे। वैसे हंसराज जी, हम भी आपको एक सजेशन देते हैं, आप ना हमको अपनी बंदी बना लो। हाँ देखिएगा, फिर ऐसे मोहल्ले में हम घूमेंगे, सब कहेंगे वो देखो जुगल बंदी जा रही है। दीदी हमको जुगल जी से कुछ सवाल पूछना है। जुगल जी से? हाँ पूछो पूछो। जरूर। जुगल जी मुझे बताइए, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा में, करेक्ट बोले हैं। इंडिया की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली। वाह दीदी, इनको तो सब कुछ पता है। हाँ। ये जुगल नहीं, ये तो गूगल निकले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.